अभी आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे पीटिए? अंकल कितना टाइम हो गया ने पाले हुए? तो 15 साल तो दाना रोज डालना है, मतलब दान करने का काम पूरा का पूरा करना ही है। सर्दी में बाजरा, अच्छा, और गर्मी में गेहूँ। अच्छा, गर्मी में गेहूँ। हाँ, हमारे बस की इतना खर्चा तो उठाना नहीं है, इतने सारे कबूतर हम पाल ले और रोजाना अंकल की तरह इन्हें दाना खिलाते रहे। पर पीटी एक चीज नहीं भाई, अगर हम थोड़ा बहुत करना चाहें तो हम कर सकते। पीटी यार, अब हम चल रहे हैं, जो जंगली पक्षी है ना उनके लिए काम करेंगे। कुछ ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे थोड़ी सन्नाटे वाली जगह, सन्नाटे वाली जगह का मतलब समझ रहे हैं, खाली एरिया है ना, उनके लिए थोड़ी सी क्या लगाएंगे, कुछ क्या बाउल लगाएंगे पानी पीने के लिए है ना, और कुछ उनके खाने का भी जुगाड़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। बीटीआर सीमेंट लेना भाई, मिल तो जाएगा, रुकिए पूछता हूँ। सीमेंट लेना, सीमेंट भी लिया। अरे सीमेंट अभी देख किस तरीके से यूज होगा सीमेंट का, जब मैं बताऊंगा तुझे। भाई आप चल रहे भाई गाजीपुर, गाजीपुर से थोड़ा सा दाना ले लेंगे। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं गाजीपुर, और आपको गाजीपुर का एक नज़ारा भी दिखाता हूँ, कितनी सारी चील है यहाँ। भाई इन चीलों को भी दाना पानी दे दो कुछ। भाई हमारे बस की नहीं है इनका दाना पानी, इनके लिए तो चिकन मटन चाहिए भाई। और तुझे पता है बाजरा? अरे नहीं, बाजरा कहाँ खाएंगे, ये तो चाहिए ना, चिकन चाहिए, मटन चाहिए। पेटी देखियो कैसी बैठी है भाई, कितनी सारी। ओ भाई, तो भाई टावर पे देखिए जरा, कब्जा करके बैठ रही। जाके लेना हमने बाजरा ले लेंगे, बाजरा ले लेंगे, और एक मक्का आती है ना, मक्का। क्या ये क्या है? आराम से जो खिलाते हैं मुर्गे को, तो मुर्गे खाते हैं। तो साबुत मक्का नहीं है और बाजरा भी नहीं, कहाँ मिलेगा? इधर ही आगे मिल जाएगा। तो फाइनली हमने ले लिया बाजरा और मक्का, अब चल रहे बाउल लेने। भाई देख रहा है कैसे मांस खा रही है नोच नोच की बेटी, अगर यहाँ कोई बंदा रह गया ना थोड़ी देर ऐसे लोटा उसे भी नोची खा जाएंगी भाई। देखिए पूरा उधर देखिए, उसमें देखिए टेम्पू में पूरी कैसे बैठी है, टेम्पू भी घेर रखा है ना उन्होंने। चिड़ियाओं के पानी पीने वाले, मतलब अब बस यही दोनों पड़े बस और है ही नहीं। अम्मा के पास तो मिली नहीं यार पीटी, आगे भी है एक दो दुकानें। पीटी बाउल भी ले लिए भाई, अब चलते हैं कुछ ऐसी जगह ढूंढ, समझ रहे हैं पीटी, ये जगह भी सही है यहाँ खाली है। सही है, सीमेंट का करना क्या भाई, इन्हें चिपकाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पब्लिक तुझे पता है ये इंडिया है, इन्हें भी ले जाएगी। अच्छा,
गाइस अब हम लोगों ने एक जगह पर तो पानी का लगा दिया है, उनके लिए दाना भी डाल दिया है, कोई दूसरी जगह देखेंगे। अभी तो उधर आए नहीं कबूतर, लेकिन उधर अभी कुछ आए नहीं, अभी आते टाइम देख लेंगे कि देखेंगे वहाँ खा रहे नहीं खा रहे। सही कह रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे ना लगा दो, लगा दो यहाँ, लगा दो थोड़ा कोने पे। कोने में नहीं, बीच में लगाएंगे ना। ये जो पोल नहीं है भाई, पोल मुझे लग रहा है पोल में इनके घर भी हैं कबूतरों के कई सारे। काफी टाइम वेट करके भाई एक कबूतर आया है, फाइनली ऐसा लग रहा है भाई देख के कि मेहनत थोड़ी कामयाब हो रही है यार, है ना, अच्छा लग रहा है यार, एक भी आ गया है ना। जब से दो बाकी दो लगाए थे तो उनमें भी नहीं, अब इसे देख देख के और भी आ जाएंगे। आ गया ना, देख एक और आ गया, देखा देखा मैंने बोला ना बेटी ले, अब एक और आ गया, तीसरा भी आ गया मेरे भाई। अब अच्छा लग रहा है यार बहुत, ले चौथा भी आ गया था यार, अच्छा लग रहा है बहुत, मन खुश हो रहा है, अब मन खुश हो रहा है ना, मेहनत तो कुछ फल दे। हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है। पर अब खाएंगे, अभी नहीं पता चल गया ना कि यहाँ दाना है। अब किधर चल रहे हैं? अब चल रहे हैं उधर हिंडन के बगल में, नहीं है जगह उस दिन जहाँ हम गए थे वहाँ। सही है, खाली खाली एरिया ना, खाली खाली जगह यार, वहाँ भी पक्षी काफी बैठे रहते हैं। चिड़िया के लिए बना रहे, ठीक है।
गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपके माइंड में कभी भी अगर किसी के लिए कुछ भी करने की प्रेरणा आए तो प्लीज़ आप रुके ना, अपने माइंड को रोके ना, वो चीज़ करें।